मौलाना कलीम यांची सुटका करा, जमियत उलमाए हिंदची मागणी। इस्लाम धर्माचे धर्मगुरू मौलाना कलीम सिद्दीकी यांना खोट्या गुन्ह्यामध्ये अटक केली असून त्यांची तात्काळ सुटका करा अशी मागणी बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात जमियत उलमाए हिंद देऊळघाट शाखा यांच्याकडून करण्यात आली आहे। मौलाना कलीम सिद्दीकी यांना उत्तर प्रदेश ATSने विनाकारण अटक केली असून मौलाना हे शांती आणि एकतेचे संदेश देणारे निष्कलंक व देशातील एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व आहेत। आजपर्यंत त्यांनी देशातील एकता व शांतता कायम राहील याकरता सदैव प्रयत्न केले आहे। ते ग्लोबल पीस सेंटरचे अध्यक्ष तसेच जमियते वलीउल्लाचे अध्यक्ष आहेत। त्यांचे अटकेवरून संपूर्ण भारतात वादंग उठले असून त्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे। यासोबतच देशात हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले असून आसाम येथे घडलेली घटना निंदनीय आहे। देशाचे प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी जातीने लक्ष घालून देशाची गरिमा सांभाळावी अशीही मागणी या निमित्ताने करण्यात आली आहे। इसी सिलसिले की एक कड़ी हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है, जिनको ऐसे तौर पर जो है गिरफ्तार किया जैसे किसी जो तो बहुत बड़े जो तो माफिया को अंदर वर्ल्ड को गिरफ्तार किया जाता है। और हालांकि हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी, यह हमेशा जो है तो इन्होंने मानवता का दर्श दिया और आपस में भाईचार की जो है तो सिखाया, आपस में एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत से रहने का दर्श दिया। इसलिए हम मौलाना को जो गिरफ्तार किया गया है, हम सब जो है तो ये मांग करते हैं कि हजरत मौलाना को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। उन पर जो है तो किसी भी तरह का कोई जो है तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए हमारी सबकी मांग है अहलियाने देवलघाट की कि हम हजरत मौलाना की तरफ से जो है तो खड़े हुए हैं, हजरत मौलाना को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए।